क्रेजी मिथबस्टर्स इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D, जिन्हें आज की इस वीडियो में हम लोग कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और अगर आपके पास भी कोई मिथ हो तो यार कमेंट जरूर से कर देना, ताकि मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में ले सकूं। तो वीडियो को करते स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला मिथ ये है कि हमारे न्यू हाउस के पास वाला घर हमारे घर की बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है। तो अभी तो हम लोग हमारे न्यू हाउस पर हैं, तो चलो देखते हैं कि कौन सा घर हमारी बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है। तो वो घर ये तो नहीं, लेकिन यार ये वाला घर तो काफी ज्यादा दूर जा रहा है। मेरे को लग रहा है ये वाला हो सकता है। अरे हाँ यार, ये देखो इसकी बाउंड्रीज और इसकी छत देखो एक बार। तो हाँ यार, ये देखो यार हमारे बाउंड्रीज कहाँ पे है और इस घर की छत कहाँ पे है। यार तो ये हो सकता है कि हमारा घर की बाउंड्रीज हमने इसके घर के नीचे बना ली है, या फिर इसने हमारी बाउंड्रीज के ऊपर अपनी छत बना ली है। तो इसको फोड़ना तो बनता है, और ये मिथ होता है कंफर्म। तो हमारा नेक्स्ट मिथ ये है कि हम लोग को स्टिकमैन बनना है, उसके बाद में हम लोग को जेसीबी के अंदर बैठना है और देखना है कि मैजिक होगा। तो यार देखते हैं कि क्या मैजिक होगा। तो मैंने स्टिक बम तो लगा दिया, अब स्काई फॉल कर लेता हूँ एंड अब हम लोग बन जाएंगे स्टिकी मैन। तो ओके गाइस, यार मैं यहाँ पे गिर चुका हूँ स्टिकी बम के ऊपर एंड बन चुका हूँ स्टिकी मैन। तो फटाफट से हम लोग जेसीबी को बुलवा लेते हैं, जिसका चीट कोड है 6677। तो हमारी जेसीबी आ चुकी है, अब इसके अंदर हम लोग बैठते हैं एंड देखते हैं कि क्या मैजिक होगा। तो गाइस, ये वाली जेसीबी तो बिल्कुल ही नॉर्मल कार की तरह घूम रही है। इसके अंदर मेरे को तो कोई मैजिक दिख नहीं रहा है, और थोड़ी देर वेट करके देख लेते हैं। नहीं गाइस, कोई भी मैजिक नहीं हुआ। ओके गाइस, यार सॉरी, क्योंकि मैंने उस वाले मीत के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, इसलिए इस वाले मीत को हम लोग फिर से करने वाले हैं। तो हम लोग को इसमें कोई भी बटन दबाना नहीं था, लेकिन मैंने गलती से दबा दिए थे, इसलिए वो मीत पूरा बिगड़ गया। इसलिए इस बार हम लोग कुछ नहीं करेंगे और थोड़ा सा वेट करते हैं कि क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है एंड बिल्कुल पहले जैसा ही हो रहा है। एंड ये क्या हो गया भाई साहब, ये जेसीबी तो पूरी फट चुकी है। एंड गाइस, यार ये अभी भी हमारा बंदा इसके अंदर बैठा हुआ है। तो यार ये तो मुझे नहीं पता था कि ये जेसीबी फट जाएगी, क्योंकि कभी भी कोई भी कार फटती नहीं है ऐसा वाला ग्लिच करने पे। तो ये मिथ होता है कंफर्म। तो हमारा नेक्स्ट मिथ ये है कि पुलिस कार के अंदर दो दो साइड मिरर होते हैं, एक नीचे और एक उसके ऊपर। तो यार देख लेते हैं दोनों कार को बुला के कि कौन सा साइड मिरर की बात हो रही है। तो यार इसके ऊपर कुछ तो दिख रहा है साइड मिरर जैसा। एक मिनट गाइस, मैं अपनी स्नाइपर को निकाल के इसको ओपन करके देखता हूँ। तो हाँ यार गाइस, ये कुछ तो दिख रहा है ये साइड मिरर जैसा, लेकिन यार मुझे लग रहा है कि ये साइड मिरर नहीं है। पर हम लोग बड़ी वाली कार को भी मंगवा के देख लेते हैं। तो हमारी बड़ी वाली पुलिस कार को मंगवाने की चीट कोड है 101। तो हमारी बड़ी पुलिस कार आ चुकी है, अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि क्या इसके अंदर भी दो मिरर है। तो हाँ यार गाइस, ये देखने से तो लग रहा है कि दो मिरर है, लेकिन एक मिनट गाइस, मुझे क्या लग रहा है कि ये साइड मिरर नहीं है, ये है लाइट, बोले तो टॉर्च होगी। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यार देखो यार, हम लोग को साइड मिरर के अंदर दिख रहा है कि ये मिरर है, लेकिन उसके ऊपर वाली लाइट में हम लोग को कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो या तो ये लाइट होगी या फिर पुलिस का कोई सायरन होगा। तो ये मिथ होता है बस्ट। तो हमारा नेक्स्ट मिथ ये है कि जेसीबी को स्विमिंग पूल के अंदर स्पॉन करो एंड स्विमिंग ग्लिच लगा के उसके अंदर बैठो, उसके बाद पंच वाले बटन पर क्लिक करो एंड देखो मैजिक। तो ठीक है यार, हम लोग कर लेते हैं अपनी जेसीबी को स्पॉन एंड स्विमिंग ग्लिच लगा लेते हैं इसके अंदर और बैठ जाते हैं। इसके बाद में हम लोग इसको थोड़ा सही कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कॉर्नर पे हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या ग्लिच सही से हुआ नहीं हुआ, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। एंड गाइस, अब हम लोग देखने वाले कि क्या ग्लिच होने वाले इस जेसीबी से। तो यार अब मैं यहाँ पे पंच वाला बटन दबाता हूँ एंड देखो यार गाइस, इसके पीछे वाला जो ट्रॉली है वो किस तरह से ऊपर उठ रही है। तो यार इस वाले ग्लिच से हुआ क्या कि हम लोग का जो पहले से बटन दे के रखा है इसको ऊपर करने का, उसके साथ साथ हमारा पंच बटन दबाने से भी ये ऊपर हो रहा है। तो यार ये वाला ग्लिच तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस वाले ग्लिच को आप भी अपने मोबाइल में ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लिच है एंड ये ग्लिच होता है कन्फर्म। तो हमारा नेक्स्ट वाला मिथ ये है कि स्टिकी मैन बनो एंड फायर ट्रक के अंदर बैठो।
एंड सेकेंड कैमरा करो। तो ठीक है यार, मैं स्टिक मैन तो बन चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे अपने फायर ट्रक को बुला लेता हूँ। तो चलो हमारे इस बंदे को हम लोग इस फायर ट्रक के अंदर बिठाते हैं, देखते हैं कि क्या मैजिक होता है। तो भाई साहब ये तो नॉर्मल की तरह घूमने लगा, लेकिन मैंने जैसे सेकंड कैमरा कराया, देखो यार कितना अजीब तरह से घूम रहा है। तो हम लोग इसका सेकंड कैमरा कुछ इस तरह से ही कर सकते हैं, तो ये मिथ होता है कन्फर्म। तो हमारा नेक्स्ट मिथ ये है कि हम लोग सिर्फ टच कंट्रोल से ही अपनी जेसीबी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि हमारे गेम के अंदर 3 कंट्रोल हमको मिलते हैं। तो अभी हम लोग जॉयस्टिक वाले कंट्रोल को यूज करते हैं, देखते हैं कि जेसीबी हमारी कंट्रोल होती है या फिर नहीं। तो ये जॉयस्टिक वाले कंट्रोल से मैं यहाँ पे कंट्रोल करने वाला हूँ इस वाली जेसीबी को, एंड देखते हैं कि क्या कंट्रोल हो रही है। तो यार गाइस नहीं हो रही है यार। तो यार ये न्यू अपडेट का कोई ग्लिच होगा जिसके कारण ये नहीं हो रहा है। एंड अब हम लोग दूसरे टाइप का कंट्रोल को यूज़ करके देखते हैं। तो जॉयस्टिक से मैं स्टीयरिंग को कर लेता हूँ, उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपनी जेसीबी को बुला लेता हूँ। तो स्टीयरिंग से तो हमारी जेसीबी कंट्रोल हो जानी चाहिए, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा ग्लिच हो जाएगा इस गेम के लिए। तो गाइस यार मैं यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ, लेकिन यार ये वाला कंट्रोल भी यूज नहीं हो रहे हैं। तो इस वाले बग को गेम वालों को जल्द से जल्द ठीक करना ही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने नॉर्मल टच वाले कंट्रोल से जेसीबी को चला के देखने वाले हैं, क्योंकि मैं इतने टाइम से टच कंट्रोल से ही चला रहा हूँ अपनी जेसीबी को। वैसे यार मैं अपना ओपिनियन दूँ तो यार जेसीबी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ ऐड कर दी है इन गेम वालों ने। तो अपने कंट्रोल से ये जेसीबी यूज़ हो रही है, ये मिथ होता है कन्फर्म। हमारा नेक्स्ट मिथ ये है कि नाइट में जाकर स्विमिंग पूल का पानी देखो तो वो नहीं चमकता है, लेकिन सी का पानी चमकता है। तो यार रात हो चुकी है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा स्विमिंग पूल का पानी चमक रहा है। तो यार ये देखो यार चमक तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ अच्छा सा तो दिख रहा है। तो हमारी बाइक को मंगवाते हैं, देखते हैं कि यार समुंदर के पास कैसा पानी हो रहा है, क्या वो चमक रहा है। ओके गाइस, तो यार मैं यहाँ पे समंदर के पास में पहुँच चुका हूँ, एंड अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे समंदर का पानी चमक रहा है रात को। तो ज़्यादा पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से दिख रहा है कि यार ये वाला पानी बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो ये वाला पानी तो चमक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मिथ होता है कन्फर्म। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग के पास भी कोई मिथ हो तो यार कमेंट जरूर से कर देना, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर आपका भी मिथ मैं जरूर से लूँगा। तो अगर आप लोग ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, एंड कमेंट करना भूलना मत, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे कमेंट को लाइक जरूर से करूँगा, एंड जो भी सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। तो यार इस गेम से रिलेटेड ग्लीचेस एंड मिथ की वीडियो और भी भरी पड़ी है, चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।